नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और इस क्रम में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 में हुए कुछ इंपॉर्टेंट समिट के बारे में, शिखर सम्मेलनों के बारे में, जो कि इस बार आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। तो आइए शुरू करें, आज मैं क्या क्या लेकर के आया हूं आपके लिए। तो अगर आज हम अपने महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में बात करें तो जो हमारा पहला है वो है आपका G20। और G20 आपका इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने इसकी मेजबानी की है 2023 में। क्या क्या खास बात है इसमें हम देखेंगे, की पॉइंट की वजह से क्या चीजें हैं। तो अगर हम इस पर बात करें तो ये 9 और 10 सितंबर 2023 को हुआ था। आपको ये ध्यान में डेट नहीं रखना, बस इतना ध्यान में रखना है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन था ये, ठीक है। आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और यह ऐसा पहला शिखर सम्मेलन है जिसकी मेजबानी भारत ने की है। भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी, भारत पहली बार इसकी मेजबानी किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट। कौन सा शिखर सम्मेलन की? 18वें G20 की, ठीक है। इसका थीम आपको ध्यान में रखना होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस G20 शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार, ठीक है ना। ये वसुधैव कुटुंबकम के स्लोगन के साथ इस बार G20 का थीम भारत ने रखा था। इस पे क्या है कि किन किन मुद्दों पर बेसिकली फोकस या किन किन बातों पर रखा गया, तो रशिया यूक्रेन तनाव, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार हुआ था उस मुद्दे पे यहां पे बातें हुई, ठीक है। धारणी विकास, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इन सब जैसे बहुत सारे मुद्दों पे G20 के बैठक में बातें हुई। इस पे अगर हम आगे देखें तो क्या क्या खास बात है और इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हुआ है। तो जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन है जिसकी मेजबानी भारत ने की है, अब ये इस बार G20 से G21 बन गया है, क्योंकि इस पे अब क्या किया गया है, अफ्रीकी संघ को, अफ्रीकन यूनियन को इस पे शामिल कर लिया गया है, AU को, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ अब इस पे शामिल हो गया है मंच में G20 देशों में और अस्थाई सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये G20 क्या हुआ, G21 हो गया है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि और कौन कौन मुद्दों पे बात हुई, एक तो अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ, दूसरा है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन पे यानी GBA पे बात हुई है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस पे बातें की गई है। इसके तहत क्या हुआ कि भारत के नेतृत्व में ही यह पहल है और इसका उद्देश्य है कि जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए जो G20 देशों की सरकारें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तथा जो उद्योग हैं, उनका गठबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ठीक है। किसके लिए? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि जैव ईंधन को अपनाने के उद्देश्य से इसको किया गया और यह भारत की ही एक पहल है। इसका लक्ष्य है कि जैव ईंधन को ऊर्जा संक्रमण के एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करना और रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास में योगदान देना, कि जब जैव ईंधन ज्यादा से ज्यादा अपनाने की बात होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, साथ में रोजगार के सेक्टर में भी वृद्धि होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। GBA जो गठन है इसके संस्थापक सदस्य कौन है ये भी थोड़ा सा देख ले। तो इस गठबंधन की शुरुआत 9 आरंभिक सदस्य देशों के द्वारा हुई थी। कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो भारत है, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ इसकी, इस गठबंधन की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो भी GBA के सदस्य देश हैं वे जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता हैं। ये सभी देश, ये जितने भी देश GBA में शामिल हैं, भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी क्या है, उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। अगर इस क्रम में देखा जाए उत्पादक और उपभोक्ता में, तो इथेनॉल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 52% उत्पादन होता है, ठीक है, ब्राजील के द्वारा 30%, भारत के द्वारा 3%। इन सब के साथ ही तकरीबन 85% के योगदान के साथ ही, मतलब ये सभी देश मिलकर के, यानी कि अमेरिका, ब्राजील, भारत मिलकर के 85% के तकरीबन योगदान देते हैं इसके उत्पादन में, वहीं पे इन देशों में 81% खपत भी हो जाता है। 85% का उत्पादन तीनों देश मिलकर करते हैं और 81% स्वयं उपभोग भी करते हैं।
तो ये सब बातें आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जैव ईंधन को ज्यादा से ज्यादा और अपनाने की बात की जा रही है। इसके बाद जो इसमें बात हुआ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसमें क्या हुआ कि IMEC की बात की गई, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई। इसके तहत क्या है कि भारत जो है वो मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की स्थापना के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है कि भारत और मिडिल ईस्ट का और यूरोप के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बने। इसके लिए भारत ने क्या किया है इन देशों के साथ, कि किसके साथ, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। जो IMEC है ये वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी है, ठीक है ना, ये पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन सभी देशों के साथ मिलकर के। इसमें क्या है कि IMEC भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस परियोजना के तहत रेलवे, समुद्री मार्गों और परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। रेलवे, समुद्र और सड़क, ये तीनों परिवहनों को कनेक्ट किया जाएगा भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय यूनियन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसको इस उपक्रम के तहत शुरू किया गया, जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट चलता है ना, तो इस BRI प्रोजेक्ट के प्रतिक्रिया के रूप में ये एक वैकल्पिक ऑप्शन देखा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या क्या बात हुई G20 समिट में, वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप की बात हुई। तो इसमें क्या हुआ कि विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप ने केंद्र सरकार के तहत पिछले 10 साल में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है। अब देखना ना, जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में भारत डिजिटल रूप में मूव हुआ है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, खासतौर से जनधन खाता, आधार, हर चीज जिस तरीके से ये आगे बढ़ा है उसकी इसमें सराहना की गई है। और क्या क्या खास भी विशेषताएं हैं इस शिखर सम्मेलन की, तो इस शिखर सम्मेलन की अगर और विशेषताओं की हम बात करें तो इसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना। जो G20 देश हैं इन लोगों ने टाइम में मिलकर टारगेट रखा है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की दिशा में ये लोग काम करेंगे, इसका इन्होंने वादा किया है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एक आकलन के अनुसार इस लक्ष्य को पूरा किया जाता है तो वर्ष 2030 तक 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जाएगा। मतलब IEA ने एक आकलन ऐसा लगाया, अगर ऐसा किया जाएगा, इस उद्देश्य के तहत अगर काम किया जाएगा जो अभी वादा हुआ है, तो 2030 तक ही तकरीबन 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। यह महत्वपूर्ण है, यह ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करें तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रति G20 देशों ने आपस में प्रतिबद्धता जताई है। जैसे कि G20 के जो नेतृत्व करता है, खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित बढ़ती कमोडिटी कीमतों जो जीवन यापन के दबाव में योगदान करते हैं, का समाधान करने के महत्व पे बात हुई है। वैश्विक चुनौतियां जो कमजोर समूह है, विशेषकर से महिला, बच्चे, इनको प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, तो इन सब पे फोकस किया जाएगा। बेसिकली वैश्विक स्तर से खाद्य सुरक्षा और पोषण जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए, इसलिए उनका लक्ष्य भूखमरी और कुपोषण का उन्मूलन करना भी इसके तहत रखा गया है। G20 के घोषणा पत्र में मानवीय पीड़ा और यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, मुद्रा स्फीति, आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से बहुत सारी समस्याएं हुई हर क्षेत्र में, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, चाहे आपूर्ति श्रृंखला हो, क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं की ज्यादातर खेती होती है, गेहूं का कटोरा कहा जाता है, तो इन सब चीजों में बहुत सारी समस्याएं हुई खाद्य सुरक्षा को लेकर के। तो ये सब सारी चीजों को इस G20 की बैठक में प्रकाश डाला। इसके अलावा छोटे हथियार और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों पर बात की गई, क्योंकि आपको पता है कि पूरा विश्व आतंकवादी घटनाओं से परेशान है। इसी के मद्देनजर 2023 की ये जो नई दिल्ली घोषणा हुई है, पिछली G20 घोषणाओं में, नई दिल्ली घोषणा का मतलब कि नई दिल्ली में जो आयोजन हुआ था, इसीलिए जो पहले के जो G20 घोषणाएं थी उनके अनुसार
विशेष रूप से वर्ष 2015 के तुर्कीय घोषणा पर आधारित है। उस 2015 में तुर्कीय के में जब G20 सम्मेलन हुआ था उस घोषणा में भी इसकी बात हुई थी, जिसमें आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई थी और नई दिल्ली घोषणा में भी आतंकवाद के मुद्दे पर बात उठाया गया है। 2022 के G20 बाली नेतृत्वकर्ताओं की घोषणा जो मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण और वित्तीय कार्रवाई बल को मजबूत करने पर केंद्रित थी। 2022 में भी जो बाली इंडोनेशिया में हुआ था उसमें भी इस मुद्दे पर ज्यादातर फोकस किया गया था, ठीक है ना, कि जो ब्लैक मनी टेरर फंडिंग वगैरह होती है इसके लिए। इसके विपरीत नई दिल्ली घोषणा में आतंकवाद से संबंधित विभिन्न चिंताएं और भी बहुत सारी बातें नई दिल्ली घोषणा में की गई है। नई दिल्ली घोषणा में G20 देशों ने स्पष्ट रूप से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है। ये तो पर्टिकुलर किसी किसी रूप की बात हुई है, लेकिन नई दिल्ली घोषणा में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई है कि हमें उस सभी रूपों से मिल करके लड़ना होगा, चाहे वो टेरर फंडिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, या जो भी, या साइबर आजकल टेररिज्म आ गया है, मतलब हर प्रकार के आतंकवाद से। वहीं पर स्वास्थ्य देखभाल में लचीलापन और अनुसंधान पर भी बातें हुई हैं। तो बेसिकली अगर यहां पे हम बात करें तो G20 नई दिल्ली नेतृत्वकर्ताओं की घोषणा में स्वास्थ्य देखभाल पर काफी बल दिया गया है और एक लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई है कि ये स्वास्थ्य सुविधाएं पर पहुंचने में लचीलापन हो, व्यक्तियों को ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह अधिक लचीला, न्याय संगत, सतत और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसमें WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की केंद्रीय भूमिका है, ठीक है। तो ये सब मुद्दा है, ध्यान में रखिएगा। इसका लक्ष्य है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यबल और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को महामारी से पहले के स्तर से बेहतर स्तर तक बढ़ाना है, यानी COVID-19 महामारी से पहले जो स्तर था उससे भी बेहतर अच्छा करना है आने वाले 2-3 सालों में, और ये सब किसके तहत, WHO, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वित्त ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक पे समझौते हुए हैं। तो G20 की अध्यक्षता ने क्या है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समन्वित और व्यापक नीति और नियामक ढांचे पे बनाने की बात की है, उसकी नींव रखी है। इस पे क्रिप्टो परिसंपत्ति विनियमन हेतु वैश्विक सहमति पर जोर दिया गया है कि सभी G20 के देश मिलकर के क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में करें। एक और इंपॉर्टेंट है, भारत मर्कोसूर तरजीही व्यापार समझौता, इसके इस G20 में इसमें बात हुई है कि भारत और ब्राजील ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत मर्कोसूर PTA के विस्तार के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई है। ये जो मर्कोसूर है वो क्या है, लैटिन अमेरिका के कुछ देशों को मिलाकर के एक व्यापारिक समूह है जिसे मर्कोसूर कहा जाता है। उस देश में शामिल है ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे, इन देशों को मिलाकर, सभी लैटिन अमेरिकी देश हैं, इनको मिलाकर के जो ग्रुप है उसका नाम है मर्कोसूर, और भारत ने ब्राजील के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मर्कोसूर के साथ इसको विस्तार पे बात की है। भारत मर्कोसूर PTA जो है 1 जून 2009 को प्रभाव में आया था और इसका उद्देश्य उन चुनिंदा वस्तुओं पर सीमा शुल्क को खत्म करना है जिन पर भारत और मर्कोसूर ब्लॉक के बीच सहमति बनी थी, ठीक है, जो आयात निर्यात के समय जो सीमा शुल्क लगते हैं उसको कम करने की बात हो हुई है जो भारत और मर्कोसूर के साथ है। इंपॉर्टेंट जलवायु वित्त पोषण पे बात हुई है कि ये जो घोषणा पत्र है नई दिल्ली घोषणा पत्र, इसमें जलवायु वित्त पोषण में पर्याप्त वृद्धि पे जोर दिया गया है जिसमें $1 billion से $1 trillion के क्वांटम जंप अर्थात काफी बड़े बदलाव करके $1 billion से $1 trillion में हम लोग इसमें पहुंचेंगे। यह विकासशील देशों के लिए वर्ष 2030 से पहले की अवधि में 5.8 से $5.9 trillion और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए प्रति वर्ष $4 trillion की वित्तीय सहायता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। यह भी ध्यान में रखिएगा कि स्वच्छ ऊर्जा पाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के लिए भी, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है इस बार के G20 में। इस बार के G20 में भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन भी रहा है, आपके फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वहां पे कौन कौन सी चीजें शामिल थी, क्योंकि भारत में हुआ तो वहां पे भारत मंडपम का आयोजन किया गया था, अनुभव मंडपम से प्रेरित भगवान नटराज की कांस्य की प्रतिमा भी वहां पे थी जो चोल शैली को दर्शाता है। तो इस बार के फिल्म्स के लिए भारत मंडपम, भगवान नटराज की शैली, तो ये सब नटराज मूर्ति के बारे में भी थोड़ा सा कल्चर के हिसाब से अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। ओडिशा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र और नालंदा विश्वविद्यालय की छवि को यहाँ पे शामिल किया गया था, तो ये सब इस बार के फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल आप लोग खुद से पढ़ लेंगे।
तंजावुर पेंटिंग जो तमिलनाडु की है, ढोकरा कला जो पश्चिम बंगाल की है, इनके बारे में यहाँ पे पेश किया गया था। बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति थी। यहाँ पे विविध संगीत विरासत जैसे हिंदुस्तानी संगीत, लोक संगीत, कर्नाटक संगीत, भक्ति संगीत, ये सभी भारत के सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए थे G20 में, भारत के कल्चर से। तो ये सब पे आप एक नजर पर्सनली जरूर देखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब G20 की अध्यक्षता में परिवर्तन भी हो गया है। अब भी भारत कर रहा था जो, तो भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गई है, और इसके अब जो अध्यक्ष है वो है ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इंसियो लुला दी सिल्वा को G20 अध्यक्ष का पारंपरिक उपहार उसी G20 सम्मेलन में भारत ने सौंप दिया था। भारत की सदस्यता 1 दिसंबर 2023 को ही समाप्त हो गई है, अध्यक्षता समाप्त हो गई है। तो G20 के बारे में थोड़ा सा जानना यहाँ पे आपके लिए बनता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 2007 का वैश्विक आर्थिक वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राज्य सरकार के स्तर तक उन्नत किया गया और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच बनाया गया। तो ये सभी इसके डेवलपमेंट के बारे में ध्यान में रखिएगा। G20 में 19 देश हैं और एक संघ है यूरोपीय यूनियन, अब तो 21 हो गया है। अब EU के साथ साथ AU अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है, तो अब से ध्यान में रखेंगे, अब 21 हो गया है। 19 देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये 19 देश हैं। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ है और अब ऐड हो गया है 2023 में अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन AU, तो ये ध्यान में रखिएगा। G20 जो सदस्य हैं वो विश्व की लगभग 2/3 आबादी यानी 85% को कवर करते हैं। वैश्विक GDP की बात करें तो 80% वैश्विक GDP में इन देशों का मिलकर योगदान है पूरे G20 का, और वैश्विक स्तर पर अगर निवेश की बात करें तो 75% निवेश है और ज्यादातर वैश्विक व्यापार का ये देश प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ये सब खास बातें ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और हम पढ़ेंगे वो है SCO की बैठक, ठीक है, SCO काउंसिल की बैठक 2023 में हुई है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बार के बैठक में ये खास बात है, सिक्योर के साथ रखा गया है थीम इसकी, सिक्योरिटी, S फॉर सिक्योरिटी, E फॉर इकोनॉमी, C फॉर कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट, E फॉर एनवायरमेंट, इस थीम के साथ रखा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो भारत ने संघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की और नेताओं ने वैश्विक हित में अधिक प्रतिनिधि और बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था के गठन का आह्वान किया, जो होता है हर मीटिंग में। क्या है इंपॉर्टेंट कि वर्चुअल तरीके से भारत ने इसकी अध्यक्षता की है इस बार 2023 SCO के। ये 23वां शिखर सम्मेलन है और इसके दौरान इसमें भी इंपॉर्टेंट बात, इसको स्टार्ट बना लेना, जैसे आपने G20 में देखा कि AU को शामिल किया गया, वैसे ही SCO में इस बार ईरान ने आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य के रूप में SCO की सदस्यता प्राप्त की है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना। 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो SCO की भारत की अध्यक्षता की थीम इस बार की क्या थी, सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO, क्योंकि भारत की अध्यक्षता है इसलिए थीम भी ध्यान में रखेंगे। यहां पे सिक्योर शब्द इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योर जो है 2018 में आयोजित SCO के किंगदाओस से शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही यह नाम दिया गया था संक्षेप तक, ठीक है। तो इस बार इसका अर्थ है S फॉर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, E फॉर इकोनॉमी यानी आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, C फॉर कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी यानी कि एकता, R फॉर रिस्पेक्ट, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात है कि सबकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और उसके लिए सम्मान, और E फॉर पर्यावरण संरक्षण यानी इन्वायरमेंट से संबंधित। तो ये सिक्योर की थीम है, एक भी भारत ने दिया था 2018 में, तो ध्यान में रखना। विशेष थोड़ा सा इसमें क्या है कि भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ था, अस्ताना शिखर सम्मेलन हुआ था उसी दौरान, इसकी पूर्ण सदस्यता भारत ने 2017 में प्राप्त की थी अस्ताना शिखर सम्मेलन में। इस समूह की क्रमिक अध्यक्षता के नियम के अनुसार 2023 में
पहली बार इस योग्य अध्यक्षता भारत ने की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे G20 की पहली बार मेजबानी की है, वैसे ही G20 की अध्यक्षता भी भारत पहली बार करता है। जो भी इस यू में सदस्य देश है वो सब एक के बाद एक क्रमिक रूप से सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो 2017 में भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद भारत की अध्यक्षता का नंबर ये पहली बार आया है 2023 में। इस यू समूह में आपका चीन है, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं इस तरीके से, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें एससीओ शिखर सम्मेलन की जो कुछ खास विशेषताएं हैं तो इसके बारे में देख लें। वर्चुअल था, भारत ने अध्यक्षता की है, तो नई दिल्ली घोषणा पत्र पे क्या क्या बातें हुई, तो नई दिल्ली घोषणा पत्र पे सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी समूहों की गतिविधियों का मुकाबला करने तथा धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, जाति एवं नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष, फासीवाद और अंध राष्ट्रवाद के विचार को प्रसार से रोकने पर विशेष ध्यान के लिए सभी देशों को मिलकर के एक साथ आना होगा, सभी एससीओ में शामिल देशों को, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। संयुक्त वक्तव्य भी हुआ कि नेताओं ने दो विषयगत संयुक्त वक्तव्यों को यहां पर अपनाया। पहला क्या, पहला है कि अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने हेतु सहयोग, और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर के सभी एससीओ देश सहयोग करेंगे। तो ये दो वक्तव्य संयुक्त रूप से अपनाया गया। पहला क्या, अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जितने भी कट्टरपंथ हैं उनका मुकाबला सभी एससीओ देश करेंगे, और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस सहयोग के कुछ नए स्तंभ भी हैं। इसमें जो बात हुआ इस बार कि भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं इस बार जो भारत की अध्यक्षता में हुआ है। कौन कौन से 5 हैं, तो स्टार्टअप और इनोवेशन पर बातें की गई, पारंपरिक औषधि, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन, साझा बौद्ध विरासत, ये सभी एससीओ देश के साथ 5 स्तंभ बनाए गए इस बार के लिए। इंपॉर्टेंट है ये 5 स्तंभ इस बार के प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखिएगा। और भी कुछ बातें हैं, तो BRI पे भारत ने आपत्तियां जताई, जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, कि भारत ने एससीओ सदस्यों के आर्थिक रणनीतिक वक्तव्य में इच्छुक सदस्य देशों का उल्लेख करते हुए BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग बनना भारत ने अस्वीकार कर दिया। भारत ने कहा कि मैं उसका पार्ट नहीं बनूंगा, तो यह ध्यान में रखना। BRI को लेकर भारत का विरोध पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में परियोजनाओं को शामिल करते हुए उत्पन्न हुआ है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है, क्योंकि चाइना जो है वो POK में वहां पे पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वहां पे परियोजनाएं स्थापित कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, इस वजह से भारत इसमें शामिल नहीं होगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें संबोधन भी दिया, संबोधन देते उन्होंने कहा कि एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और विश्वास बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर प्रकाश डाला गया, कि सभी देश आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी पे फोकस होंगे, और एससीओ चार्टर के मौलिक सिद्धांत को बनाए रखने की आवश्यकता पे बल दिया। जो एससीओ का चार्टर जो कहता है, जो उसके सिद्धांत है, उस पर फोकस होने को बेसिकली भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, और विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की सुरक्षा पर भी जोर दिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जिस तरीके से चाइना POK पे ऐसा करता है, तो इस वजह से, क्योंकि चाइना भी एससीओ का सदस्य है। तो अब थोड़ा सा आपको संघाई सहयोग संगठन के बारे में जानना होगा, सब बातें हुई तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। यह राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना। किन क्षेत्र में, जो एससीओ के सदस्य देश है। इसे 2001 में बनाया गया था, इसका गठन 2001 में हुआ है। एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए और 2003 में इसे फिर लागू किया गया। तो ये इस तरीके से एससीओ के बारे में ध्यान रखिएगा। एससीओ का उद्देश्य क्या है, कि जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच में आपसी विश्वास और सद्भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के क्षेत्र में एक दूसरे का प्रभावी सहयोग करने के लिए इसका गठन किया गया है। शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए, संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतरराष्ट्रीय राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से एससीओ का गठन किया गया है। ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्य परिषद का प्रमुख है,
यह सर्वोच्च एससीओ का निकाय है, एससीओ का अपना एक राज्य परिषद का प्रमुख है, और वो क्या करता है कि वो एससीओ का सर्वोच्च निकाय होता है जो अपने आंतरिक कामकाज और अन्य राज्यों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों पर निर्णय लेता है और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने के लिए एससीओ का स्टेट काउंसिल है, राज्य परिषद है, ये ध्यान में रखिएगा। सरकारी परिषद का भी इसका प्रमुख है, यह क्या करता है कि यह एससीओ के बजट को मंजूरी देता है और एससीओ के भीतर आर्थिक संबंधों से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करता है। वैसे ही एससीओ के विदेश मंत्रियों की एक परिषद है, यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। ऐसे ही आतंकवाद से निपटने के लिए है रैट्स, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना है एससीओ की, जो कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। एससीओ का सचिवालय के बारे में आपको पता होना चाहिए कहां पे है, बीजिंग में है, और यहीं से सूचना विश्लेषणात्मक और संगठन सहायता ये सब इसको मिलती है। इसकी आधिकारिक भाषा ध्यान में रखिएगा, फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है, ठीक है। एससीओ सचिवालय की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, रूसी और चीनी। अगला जो हम समिट पढ़ेंगे वो है हमारा ब्रिक्स समिट 2023 के बारे में, क्या खास है आइए इसके बारे में भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा हुआ है, जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया 2023 में, और भू राजनीतिक परिवर्तनों, वैश्विक आर्थिक गतिशीलता की पृष्ठभूमि में यह सम्मेलन का काफी महत्व रहा है। तो कौन सा है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ है। विशेष रूप से यह जो शिखर सम्मेलन है 2019 में कोविड-19 महामारी के बाद पहली व्यक्तिगत बैठक है, नहीं तो इसके पहले कोविड महामारी के बाद वर्चुअल रूप से होती थी, व्यक्तिगत रूप से कोविड के बाद ये 19 के बाद ये पहली है। 15वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, उसका थीम क्या है, उसका विषय क्या है, तो ये है ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो ये है इसका आपका स्लोगन, थीम, विषय, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीटिलरिज्म, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसकी क्या विशेषताएं हैं 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो इसकी भी खास बात है, जिस तरीके से G20 में नया सदस्य जुड़ा है, एससीओ में जुड़ा, इस पर भी नए सदस्य जुड़े हैं 2023 में, खास बात है ध्यान में रखिए, ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, ब्रिक्स में शामिल देशों की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर के 11 हो गई है, अभी तक 5 थे, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, अब वो 5 से बढ़कर के उनकी संख्या 11 हो गई है, और इस पे 15वें, इसी उपलक्ष्य में 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसकी वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास और बेहतर तरीके से सभी देश मिलकर के इसमें काम करेंगे। कौन से 6 देश नए शामिल हुए हैं, तो वो है आपका मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया और अर्जेंटीना, तो ये सभी देश इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और इनके शामिल होने से मिडिल ईस्ट की, अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की का प्रतिनिधित्व तो बढ़ जाएगा, वो यहीं के देश है, तो ये शामिल हो गए हैं, ये ब्रिक्स 11 हो गया। आप ठीक आगे देखें तो ये जो ब्रिक्स 11 है, 1 जनवरी अभी 2024 से 1 तारीख से ये लागू हो गई, ये प्रारंभ हो गया, ये प्रभावी हो गई, ये ध्यान में रखिएगा। जो ब्रिक्स सदस्य देशों में 2 प्रमुखताएं समान थी, जो पहले वाले 5 थे उनमें 2 प्रमुखताएं थी, बड़ी अर्थव्यवस्था और उच्च संभावित विकास दर दोनों का था, ठीक है। लेकिन अब जो 6 और शामिल हो गए, जो ब्रिक्स 11 हो गया है, अब इसमें क्या है, ब्रिक्स 11 के तहत एक सुसंगत समूह हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो संकट के दौर से गुजर रहे हैं जबकि अन्य फल फूल रहे हैं, और यह अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक अलग एजेंडे के विस्तार का संकेत देता है। अब जो प्लानिंग ये लोग बनाएंगे ब्रिक्स 11, अब सबके अनुसार बनाना पड़ेगा, जो कमजोर देश है उनके लिए थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, भारत के लिए चिंता का विषय भी है, आप जो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना भी है और चाइना हमेशा ये चाहता है, और इंडिया भी है ब्रिक्स में, तो जो भी कमजोर देश है चाइना उनके साथ अपने प्रभुत्व को बेहतर बनाने के लिए उनकी मदद करता रहेगा या कर सकता है, तो ऐसे इंडिया के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय होगा। खैर ये तो आगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको इस बार के फिल्म्स के लिए इतना ध्यान में रखना है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानना होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी, तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला देश, ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका,
ब्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म है, यह ध्यान में रखिएगा। विश्व की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए शुरू में यह शब्द दिया था ब्रिक, ठीक है ना। शुरू में ब्रिक था, चार थे ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, इनके द्वारा। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह का औपचारिक रूप दिया गया। 2006 में ये इस समूह ब्रिक जो है ये लागू हुआ। दिसंबर 2010 में क्या हुआ, इसमें शामिल हुआ साउथ अफ्रीका, तो ये फिर ब्रिक्स क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया इनका शॉर्ट नेम, ठीक है। अब ये ब्रिक्स 11 हो गया है, अब ध्यान में रखिएगा, लेकिन ब्रिक के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक जानना बनता है। एक जनवरी से ब्रिक 11 हो गया है, इन पांचों के अलावा 6 और देश शामिल हो गए हैं। इनमें आगे देखें तो ब्रिक का हिस्सा की बात देखें तो क्या है, अगर वैश्विक स्तर पर तो पूरे वैश्विक आबादी का 41% ब्रिक कवर करता है और ये 5 देशों वाला है। अभी 11 वाली बात नहीं हो रही, अभी BRICS की बात हो रही है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% तो वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्षता कौन करता है, तो फोरम की अध्यक्षता इसी क्रम में होती है, BRICS इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर अभी ये दक्षिण अफ्रीका में किया है तो फिर ब्राजील करेगा, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर जो ऐसे सदस्य शामिल हुए 11, फिर इसी क्रम में इसकी सदस्यता बढ़ेगी। 2021 ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की भारत ने मेजबानी की थी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 22 का चाइना किया, 23 का साउथ अफ्रीका, फिर से ब्राजील, ये आप जो 11 शामिल हो गए हैं तो उनके तहत अगला जो डिसाइड होगा। खैर, ब्रिक्स की पहल के बारे में ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में सुना होगा, ये ब्रिक्स की पहल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है कि 2014 में फोर्टालेजा ब्राजील में छठा ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था, उसी दौरान नेताओं ने एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि संघाई चीन है, इसकी स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई चीन में। अब तक 70 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है एनडीबी इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए इसकी इसकी स्थापना की गई है, ठीक है ना। आगे देखें तो और क्या क्या है, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था भी यहां पे किया गया है। 2014 में ब्रिक्स देशों की सरकारों ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की स्थापना पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य अल्पकालिक भुगतान संतुलन के दबाव को रोकना, पारस्परिक समर्थन प्रदान करना और ब्रिक्स देशों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए। वैसे सीमा शुल्क समझौते पर आपस में बातचीत हुई है, व्यापार परिवहन के समन्वय और सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर भी ब्रिक्स देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। अगर आगे देखें तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण भी, 2021 में 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तारामंडल के सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह तारामंडल 6 मौजूदा उपग्रहों से बना है, कौन कौन सा, गाओफेन 6, जीवयान 3-02, दोनों को चीन के द्वारा दोनों विकसित हुए हैं, सिबर्स 4 ब्राजील एवं चीन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है, कानोपस 5 जो है रूस के द्वारा विकसित है, तथा रिसोर्स सेट 2 और 2A, ये दोनों भारत के द्वारा विकसित है। तो यह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रक्षेपण भी इनके बीच में हुआ है। अगला जो एक और महत्वपूर्ण हम देखेंगे वो है G7 की अध्यक्षता, सॉरी G7 की समिट के बारे में 2023। खास बात क्या है कि ये 49वां G7 सम्मेलन है, यहां पे दो बातें ध्यान में रखिएगा, 49वां G7 सम्मेलन है और इस सदस्य देशों ने वर्तमान में चल रहे अध्ययनों और रिपोर्टों के उत्तर में अपनी जलवायु संबंधी कार्यसूची के प्रमुख बिंदुओं को इसमें रेखांकित किया है, यानी 49वें G7 सम्मेलन में जलवायु संबंधी कार्यसूचियों पर बात हुई है। ये जलवायु परिवर्तन की बिगड़ती स्थिति के बारे में चेतावनी देने तथा तत्काल कार्रवाई का आग्रह करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया है। जापान के हिरोशिमा में ये हुआ है G7 का सम्मेलन, और इसमें क्या है कि महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, तो ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त G7 सम्मेलन के मौके पे क्वाड लीडर्स समिट, ये एक समिट है, इसे ध्यान में रखेंगे, अब इसके आगे हम इसको अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो G7 सम्मेलन हुआ हिरोशिमा में ना, वहीं पे क्वाड लीडर समिट का भी आयोजन किया गया, जो क्वाड समूह के देश है उनका, उसके बारे में इसके आगे ही अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनीतिक हितों और पहलों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। ये दोनों एक साथ हुआ था, इसीलिए एक साथ ही देख लेंगे अभी अलग अलग।
जी सेवन की जो प्रमुख जलवायु संबंधी कार्य सूची है जिस पे बात हुआ है हिरोशिमा में, तो क्या हुआ है कि 2025 तक उत्सर्जन का जो वैश्विक स्तर है उस पर बात हुई है कि जी सेवन ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दे दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने की बात की गई है कि जी सेवन जो है जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा को नहीं निर्धारित करता है यहां तक, लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रक्षेप वर्ग के अनुरूप असंतुलित जीवाश्म ईंधन की चरणवार समाप्ति को तेज करने के लिए जी सेवन देश प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य है अपर्याप्त सब्सिडी की परिभाषा निर्दिष्ट किए बिना वर्ष 2025 से उससे पहले अपर्याप्त जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त कर देना। जो भी जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी देते हैं लोग, जी सेवन देशों का दावा है कि उन्होंने सीमित परिस्थितियों को छोड़कर नई जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण करना बंद कर दिया है। अब नई कोई भी जीवाश्म ईंधन से संबंधित योजना कोई लोग वित्त नहीं देंगे आपस में। नेट जीरो लक्ष्य का टारगेट रखा गया है कि जी सेवन ने वर्ष 2050 तक नेट जीरो स्थिति यानी कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही है यह सब कुछ क्योंकि जलवायु से संबंधित है, इसलिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से भी ऐसा ही अन्य भी देशों से ऐसा करने को कहा। 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सदी के मध्य तक महत्वपूर्ण विश्व को नेट जीरो स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए। चीन का इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2060 तक नेट जीरो स्थिति प्राप्त करना, जबकि भारत ने 2070 को अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। ध्यान में रखेंगे प्रमुख विकासशील देश 2050 के बाद विकसित प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में अपने लक्ष्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये इस तरीके से स्थिति है इसकी। आगे इसमें बात करें जी सेवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है, तो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसकी वार्षिक बैठक हर साल होती है। जी सेवन देश कौन कौन से है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका। भारत जी सेवन में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। सभी देश जितने भी जी सेवन के देश है वो और भारत, ये सभी जी ट्वेंटी का हिस्सा है। ये ध्यान में रखेंगे जी ट्वेंटी में सभी जी सेवन देश शामिल हैं। इसके बाद अगर हम तो देखें तो जी सेवन का कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोई भी इसका औपचारिक चार्टर नहीं है, न ही इसका सचिवालय है। इस पे क्या होता है कि इसकी प्रेसिडेंसी अध्यक्षता जो भी देश करता है, प्रत्येक सदस्य देशों के बीच जिस भी देश में इसका सम्मेलन होता है वार्षिक, वही क्या है कि उसका सचिवालय होता है, इस तरीके से समझो। ठीक है, आवंटित होती है और एजेंडा तय करने हेतु वही प्रभारी होता है, इसलिए इसका कोई औपचारिक सचिवालय नहीं है। और इस शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा, मंत्री और दूत इसके लिए कोई भी चार्टर या कोई पॉलिसी बनाना होता है तो वो बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट 49वां जी सेवन शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया है ये वाला, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसी में अगर हम आगे बात करें तो क्वाड समिट 2023 की, हमने देखा ना कि जी सेवन के साथ क्वाड समिट भी हुआ है, तो थोड़ा सा हम क्वाड समिट 2023 के बारे में देखते हैं क्या खास बातें हैं। तो ये क्वाड लीडर समिट है जो 23 मई 2023 को जी सेवन शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित किया गया था। ठीक है, दोनों उसी मौके पर था इसलिए हम इसको अलग अलग देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि यही चार देश हैं क्वाड में, आपको यह भी पता है। क्वाड चार लोकतंत्रों के बीच एक औपचारिक रणनीतिक संवाद है जिसका उद्देश्य है भारत प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समान हितों और मूल्यों को साझा करना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सभी के मूल्यों को समान हित मिले, इसलिए समान हित के लिए, इसीलिए ये चार देशों का है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड सदस्यों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र में से एक है जलवायु परिवर्तन, इस पे ये लोग आपस में सहयोग करते हैं। इन नेताओं के एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें उन्होंने पेरिस समझौते और इसके पूर्ण कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी बात की, ये लोग इसके तहत भी काम करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, अब ये इस वाले क्वाड समिट लीडर्स समिट 2023 की बात है। नवाचार, अनुकूलन, लचीलापन पर सहयोग बढ़ाने के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है इसके तहत।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीतियों पर अपने प्रयासों का समन्वय करने के लिए क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप इन्होंने लॉन्च किया है। यह भी ध्यान में रखिएगा, क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप क्यों है, अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीतियों पे इन लोगों ने, इन चारों देशों ने मिलकर जो समन्वय किया है उसके लिए। तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से हिंद प्रशांत देशों में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए इन्होंने क्वाड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना की है। क्वाड देशों ने मिलकर सूचना साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों के विकास के माध्यम से समुद्री परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के हेतु क्वाड ग्रीन शिपिंग नेटवर्क का भी इन देशों ने समर्थन किया है, क्योंकि ये हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए इन देशों का संगठन है। ये देश आपस में मिलकर संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, एक दूसरे को सूचना साझा करने के माध्यम से आपदा जोखिम में कमी तथा प्रबंधन पर भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उस पर इन्होंने और विस्तार किया है। वनों, आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड, मैंग्रोव जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों के का संरक्षण और बहाली के माध्यम से जलवायु समन्वय अनुकूलन के लिए प्रकृति आधारित समाधानों का भी इन्होंने समर्थन किया है। ये सभी इंपॉर्टेंट है क्वाड लीडरशिप समिट 2023 के लिए, ध्यान में रखिएगा। अब ये है तो थोड़ा सा आपको क्वाड समूह के बारे में जानने को बनता है। तो क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चार देशों का एक समूह है। ये सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साथ हित का भी समर्थन करते हैं कि निर्बाध रूप से समुद्री व्यापार कर सके। इसलिए इंडो पैसिफिक एरिया में अपने प्रभुत्व को ये चारों मिलकर मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना का प्रभुत्व भी बढ़ रहा है, तो उसी एवज में, ठीक है। इसका उद्देश्य है मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना कि सबके लिए सुविधाजनक हो। क्वाड का विचार पहली बार 2007 में आया था, जापान के प्रधानमंत्री थे उस समय शिंजो आबे, इन्होंने 2007 में इसका विचार रखा था, लेकिन यह आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं हो पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया पे चीन का दबाव था, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने उस समय अपने आप को इससे दूर कर लिया था। बाद में 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आया और इस चतुर्भुज गठबंधन किया जिसका नाम क्वाड कहलाया। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका जो हम लोग इंपॉर्टेंट समिट 2023 का पढ़े, ये पार्ट वन था। इसके तहत आज हम लोगों ने कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलनों के बारे में देखा जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग इसका पार्ट टू ले लेकर के आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।